जी बिल्कुल जा रहा हूँ रंगे। कल तक जो चीजें देखी थी उसमें कोई क्वेश्चन किसी का? कल में सिंपल हमने लाभ डिमांड और डिमांड की बातें समझने की कोशिश की थी। आज हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड उसका बेसिक टॉपिक है और साथ में जो किताब के अंदर कुछ चीजें हमें बताई हुई हैं वो साथ में कवर कर लेंगे। जी ठीक है जी। कुछ आज का सारा टॉपिक हमारा किताब से भी रिलेटेड। अच्छा जी, चार्ट ऑफ चैप्टर टू, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें की हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? माइक्रो कहते हैं जी छोटा और मैक्रो कहते हैं जी बड़ा। जब आप होल की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, छोटे 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 इसको मिला के आप बात करें तो वो आप मैक्रो की बात करते हैं। और जब आप माइक्रो की बात करें तो फिर आप एक इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी उसकी बात करें। जिस तरह सेल एक इंडिविजुअल पार्ट है और वो सेल्स आपस में मिलके कोई ऑर्गन बनाते हैं और फिर उस ऑर्गन मिलके फिर पूरी बॉडी बनाते हैं। तो सेल की अगर डिस्कशन कर रहे हो, किसी एक छोटे हिस्से की इकोनॉमी की डिस्कशन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। और अगर पूरी बॉडी की बात करें, उन सेल्स से मिलकर जो ऑर्गन्स बने और उन ऑर्गन से मिलकर जो पूरी बॉडी बनी है, उस पूरी बॉडी की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स में देखें तो मार्केट्स की अगर बात करें जी, पेन बनाने की मार्केट, पेन की मार्केट की क्या सिचुएशन है? लेकिन पेन की मार्केट, सीमेंट की मार्केट, शुगर की मार्केट, बैंक्स, आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आपकी कंस्ट्रक्शन, ये सब लोगों को अगर मिला दें, इकट्ठा कर दें, कंज्यूमर्स, सब चीजों को इकट्ठा कर दें तो वो डिस्कशन हमारी एग्रीगेट की डिस्कशन होगी, वो मैक्रो की डिस्कशन होगी। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एंड फर्म, माइक्रो इकोनॉमिक्स in which individual market works and detailed way in which regulation and taxes affect the allocation of labor and goods and services. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। बॉन्ड्स एंड डील हमने काफी बार डिस्कस किया कि बॉन्ड्स एंड डील होती है जी, वो क्या है? बॉन्ड्स डिजायर ऑफ सेंट, दीज आर ऑफन डिस्क्राइब एज परसीव्ड नीड्स एंड एनकैप्सुलेट the broader sense of what the people in society wish to have, wants, जो हमने कहा था कि हमारी जरूरतें उनको, needs, these are basic requirements, citizens of society such as water, food and shelter, goods, goods are material that satisfy human wants, ये हमने सारी चीजें पहले दे देखी हुई हैं। Services is very similar, however distinction is made in that it is intangible. Services intangible है और गुड्स टेंजिबल है। सारी चीजें ये हम पहले देख चुके हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? सर्विसेज की तरफ आएंगे तो टीचिंग, हाउस क्लीनिंग, बिल्डिंग वर्क, नेटवर्क, टेलर क्लोथिंग, ये आप गुड्स की तरफ चलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, इस तरफ आते जाएंगे तो ये गुड्स की बात होगी। यहाँ पे गुड्स में वो साइड सर्विसेज डिमांड क्या है? क्वांटिफायर आर विलिंग एंड एबल, दो बातें, विलिंग एंड एबल टू परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ गुड्स काफी दफा इसको पूछ चुका है। टाइप्स ऑफ गुड्स तो उसे समझता है कि ये जरा मुश्किल है तो इसलिए वो बार बार इनके बारे में बात करता है। टाइप्स ऑफ गुड कौन से हैं जी? वो कहते हैं टाइप्स ऑफ गुड के अंदर मेरिट गुड, डिमेरिट गुड, पब्लिक गुड और क्लब गुड्स, प्राइवेट गुड्स, क्लब गुड्स, ये टाइप्स ऑफ गुड्स हो सकते हैं। और इनकम की बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ गुड नॉर्मल, इंफीरियर हमने जैसे पढ़ा है और सुपीरियर, जो इनकम की बेसिस के ऊपर हम ये पढ़ के पहले भी पढ़ के आ चुके हैं।
आप जो ऊपर बातें कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ गुड की बुनियाद इनकम के अलावा कुछ और बुनियाद पे हमने डिफरेंट सेग्रीगेट करा, वो क्या ह्यूमन नीड्स आर वांट्स फॉलोइंग अ फ्यू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कंजम्पशन, ये कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं. मैरिज गुड कौन सी है? मैरिज गुड जो कि इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी गुड्स है, उनकी बात हम करें तो वो मैरिज गुड. कौन कौन सी मैरिट गुड हो सकती है? एजुकेशन, हेल्थ, स्पास एक्सेट्रा, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी है, इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं. इनकी अगर कंजम्पशन की जाए, अगर इकोनॉमी के रिसोर्सेज इन चीजों पर खर्च किए जाएं, तो इससे सोसाइटी के लिए बेहतर मेयारे जिंदगी मिल सकता है, सोसाइटी की ज्यादा बेहतर पॉजिटिव ग्रोथ हो सकती है, पॉजिटिविटी सोसाइटी के अंदर ज्यादा होगी, उनको हम मैरिट गुड्स कह रहे हैं. ऐसी गुड्स जिनकी कंजम्पशन सोसाइटी में बड़ा बेहतरी का बायस बनती है, उनको हम मैरिट गुड्स कह रहे हैं. जी किसी का मसला है? तो असल में आज आना जाना बड़ा लगा हुआ है आपकी अटेंडेंस के अंदर, उसके काफी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, खाना आ गया, खाना चला गया, खाना. अच्छा जी, डीमेरिट इसके ऑपोजिट होगा, जिससे सोसाइटी के ऊपर बुरे असरात आते हैं, जिसकी जिसके ऊपर अगर सोसाइटी के. अच्छा, जिसके ऊपर सोसाइटी के. जी आवाज का कोई इश्यू चल रहा? आवाज ठीक आ रही है? कैसे कोई इश्यू नहीं है जी? ठीक है, आवाज क्लियर है जी? वॉइस इज क्लियर? ठीक आ रही है. चलिए, डी मेरिट गुड सिंपली बैड फॉर सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल इंपैक्ट हो. एग्जाम्पल क्या हो सकती है? अल्कोहल, सिगरेट्स, जो आप देखते हैं कि सिगरेट की कंजम्पशन को खत्म करें, सिगरेट जो लगाएं, टैक्स लगाएं, कंजम्पशन कम करने की कोशिश करें. इनको हम अपनी सोसाइटी के अंदर समझते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर ज्यादा रिसोर्सेज डी मैरिट ग्रुप के ऊपर लग गए, तो उससे आपकी सोसाइटी के ऊपर अच्छे असर नहीं होंगे, तो इसलिए वो डी मैरिट ग्रुप्स के लाते हैं. देन पब्लिक ग्रुप्स, पब्लिक गुड्स कौन सी है? ऐसी गुड्स, ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल किसी के ऊपर लिमिट नहीं है, कोई भी शख्स उसको यूज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, उसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है. हर शख्स को उतना ही इख्तियार है जितना किसी दूसरे शख्स को इख्तियार है उस कंजम्पशन की. कौन सी चीजें हो सकती हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन रेगुलेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिविटी. नॉन रेगुलेटरी, दूसरा बंदा इसके ऊपर लड़ाई भी नहीं करता, एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी नहीं होती, इसके इस्तेमाल के लिए आपको कंपीट नहीं करना पड़ता. और नॉन एक्सक्लूसिविटी, किसी शख्स को दूसरा शख्स निकाल भी नहीं सकता. पब्लिक गुड की एग्जाम्पल कौन सी सकती है? कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? पब्लिक गुड की एग्जाम्पल रहता है, जी पब्लिक हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, आपकी ऐसी सहूलियात जो गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए लगाई हुई है, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के हैं, उसमें कोई भी शख्स जा सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो जा सकता है और जाके इलाज करवा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, उसको
अमीर बंदा भी उधर जा सकता है, गरीब भी जा सकता है, पब्लिक पार्क के अंदर गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, रोड के ऊपर अमीर भी जा सकता है, गरीब भी जा सकता है, पब्लिक स्ट्रीट लाइट्स जो सी है उनका उनकी जो लाइट है उसका इस्तेमाल अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, नॉन राइवलरी लड़ाई भी नहीं है और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी किसी शख्स को उसके इस्तेमाल से रोका भी नहीं गया हुआ, हर शख्स को उसका इस्तेमाल एक ही इक्वल फुटिंग्स के ऊपर इक्वल ग्राउंड के ऊपर उसको इजाजत है, तो वो पब्लिक गुड्स कहलाती है, यानी कि कंजम्पशन इज इक्वली अवेलेबल फॉर ऑल दी पीपल इन दी सोसाइटी, वो सोसाइटी के अंदर सब लोगों को मौजूद है, अवेलेबल है। प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड इसके उल्ट है, यहाँ पे पब्लिक गुड की एग्जाम्पल आ गई, नेशनल डिफेंस, हाईवे नेटवर्क, मेडिकेशन टू एनहांस पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा, ऑल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड इसका उल्ट होगा पब्लिक का, पर प्राइवेट गुड वो गुड है जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्पेसिफिक बंदे के लिए अलाउड है, वो हर बंदे की अपनी है, राइवलरी इसके अंदर आएगी एंड एक्सक्लूडिबिलिटी भी आएगी, प्राइवेट गुड के अंदर राइवलरी भी आएगी, लोगों को उसको खरीदना भी पड़ेगा, उसके लिए कम्पीट भी करना पड़ेगा और फिर उसको इस्तेमाल भी एक्सक्लूसिव होगा, जिस शख्स की वो प्रॉपर्टी होगी वो ही करेगा। These are goods that can be provided separately to different person with no cost to be borne by other. जिस शख्स ने खरीद लिया उसी को पैसे देने, गाड़ी आपने प्राइवेट गाड़ी खरीदी है तो प्राइवेट गाड़ी आप ही ने पैसे देने, वो आपकी की मलकियत है, आप भी इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरा शख्स फिर उस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी शख्स जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट खरीदने का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्राइवेट के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल। फॉर इंस्टेंस ब्रेड इज अ प्राइवेट गुड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल इन डिफरेंट वेज एंड द पोर्शन कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन कैन नॉट बी ईटन बाय अदर। ऑल्सो देयर वुड बी डिफरेंट कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ इट्स अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में उसके ब्रांड भी होंगे जो कि मुकाबलेबाजी हो रही होगी कि मेरी गुड खरीदे, मेरी गुड खरीदे प्राइवेट गुड्स के लिए। और क्लब गुड्स कौन सी है? क्लब गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो नॉन क्लब मेंबर्स के लिए तो उसका इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लब मेंबर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, वो क्लब गुड कहलाती है। Excludability but non-rival. Excludability but non-rival. अब excludability कैसे? अब examples की क्या? Public library, उसमें तो कोई भी शख्स जाएगा और उसको use कर सकता है। लेकिन CAF की library, for example, CAF की library, तो हम कहेंगे कि सिर्फ CAF के students इसमें आ सकते हैं। Students enrolled in CAF. अब ये क्लब बन गया, एक सर्टन क्लब बन गया, अब उसके अंदर एक्सक्लूडिबिलिटी आ गई, अब उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल सिर्फ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर कोई तशखीस नहीं है, कोई उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर एक शख्स बैग का स्टूडेंट है, दूसरा भी बैच का स्टूडेंट है, दोनों को इक्वल राइट्स है, वहां पे नॉन राइवलरी है, लेकिन एक्सक्लूडिबिलिटी होगी। पहले ये देखना पड़ेगा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप बैच के स्टूडेंट है, आपने लाइब्रेरी का कार्ड बनाया है नहीं बनाया, अगर आपने लाइब्रेरी का कार्ड बना लिया तो आप तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लाइब्रेरी की बनना नहीं होगी। इसमें एग्जाम्पल लीजिए प्राइवेट गोल्फ कोर्स, सर्विस लेने वाली का टूगेदर मेंबर्स होंगे, गॉल्फ कोर्स के अंदर जाए, आप कहेंगे यार गॉल्फ कोर्स है इतना बड़ा एकड़ों में फैला हुआ, मुझे इजाजत देते मैं इसको इस्तेमाल कर लू, कहेंगे नहीं सर दिस इज एक्सक्लूसिव ओनली फॉर द मेंबर्स, क्लब के जो मेंबर होंगे वो ही सिर्फ एंटर हो सकेंगे। और फिर आपके पास अगर क्लब की मेंबरशिप है, फिर दूसरे शख्स के पास भी क्लब की मेंबरशिप है, तो फिर आप दोनों को सेम राइट्स हैं, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव होगा उन क्लब मेंबर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड क्लब गुड्स, वो क्लब गुड्स के जाते हैं। फिर इनकम के बेस के ऊपर टाइप्स ऑफ गुड,
ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉर्मल गुड ऐसे गुड है जिसके अंदर इनकम इंक्रीज सच एज नॉर्मल गुड गोल टू है डिमांड इंक्रीज ऐसी इनकम इंक्रीज। वो हमने नॉर्मल गुड के लिए हमने पढ़ा था डिमांड इंक्रीज होती है जैसे इनकम इंक्रीज होती है। इंफीरियर गुड डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज वो इंफीरियर गुड है। एंड सुपीरियर गुड्स कैन टू मेक अप द लार्जर पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन एज द इनकम राइजेस। वो लोग सुपीरियर गुड के तरफ ज्यादा अपना इनकम का इस्तेमाल कर रहे हैं बढ़ाएंगे। जैसे इनकम बढ़ेगी लोग इंफीरियर गुड से शिफ्ट होना पसंद करेंगे। इलास्टिसिटी की भी बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे ये इलास्टिसिटी के बारे में बातें की हैं उनको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जब हमने पढ़नी है इलास्टिसिटी तब आपको ज्यादा बेहतर आपने समझ आएगी। अच्छा जी, इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड किताब का लिखा हुआ है कि आप ये जो मार्केट की डिमांड होती है क्या मुझे एक ब्रेड चाहिए तो ये एक ब्रेड ये तो इंडिविजुअल की डिमांड है। मार्केट की डिमांड और इंडिविजुअल की डिमांड क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस। मुझे आज पेट्रोल डलवाना पड़ा तो मैंने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया, मार्केट की डिमांड किस तरह से जनरेट होती है। तमाम इंडिविजुअल्स की डिमांड को मिला के मार्केट की डिमांड जनरेट होती है और इंडिविजुअल की डिमांड इंडिविजुअल की डिमांड होती है। डिमांड इज नीड, हमने जैसे पहले पढ़ा बैक बाय विलिंगनेस और विलिंग टू पे इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड इज अटैच्ड टू द प्राइस लेवल। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड बीइंग नैरोअर इन स्कोप देन द मार्केट डिमांड। Individual demand is the demand of a single unit of economy. It could be a single individual, single household, a single family, or even a single firm. It would show the quantity of a product by an individual actor at a certain price and at a certain point in time. As in, आज के दिन यार 100 रुपए की फूड ब्रेड है, मुझे एक ही ब्रेड चाहिए। 50 रुपए की होगी है, हो सकता है मैं दो ब्रेड ले लूँ। लेकिन वो इंडिविजुअल की डिमांड है, मार्केट डिमांड। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इज टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर। सिंपली पुट इट इज द सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। द कांसेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस डिटरमिनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस इफ द मार्केट डिमांड ऑफ अ सर्टेन ब्रांड इज लो और अनसैटिस्फैक्टरी द एक्चुअली मे might take a decision to discontinue it altogether. एक बंदा प्रोडक्ट बनाता है, कहता है जी मैंने एक पेन बनाया जिस पेन से आप जबरदस्त लिखाई कर सकते हैं लेकिन उसके पेन की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो प्रोडक्शन करने का फायदा ही कोई नहीं। तो उस शख्स को फर्म को क्रिटिक होना पड़ेगा कि इंडिविजुअल की डिमांड जनरेट करे ताकि इंडिविजुअल की एग्रीगेट डिमांड बन के मेरी मार्केट डिमांड जनरेट हो सकती हो। इसलिए जो मार्केटिंग और उसके ऊपर एक्सपेंस किया जाता है ताकि लोगों को कन्विंस किया जाए। क्लियर है अब तक? जाओ जाओ जाओ। अच्छा, स्टॉक एंड सप्लाई में क्या सप्लाई एंड स्टॉक पे क्या फर्क है? स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है? इसको हम उस पे देखते हैं। सब आपने क्या नाम सप्लाई एंड बिजनेस करते हैं, इनकम वर्सेस वेल्थ को भी हम बाद में देख लेते हैं। वैसे इनकम वर्सेस वेल्थ मैं ऐसे में चाहता हूँ आज मुझे डेफिनेट शुरू करना change in condition of demand.
हमारा वो बाकी चीजें जो जरूरी हैं उनको हम देखें। हमने कहा था कि जनाब अब वो यार पॉपुलर और डिमांड जो हमने कल पढ़ी थी उसके उसके आगे अब हम चल रहे हैं। ये जो किताब की जो चीजें थी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ जो किताब में बताए हुए थे वो डिस्कस करने आपके साथ जरूरी थे इससे रिलेटेड, ताकि गुड्स को आप समझ सके और बाकी चीजें। अब वो हमारा जो कल का टॉपिक था उसके साथ लिंक कर रहे हैं दोबारा से। हमने कहा था डिमांड के अंदर फर्क, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस एंड अदर फैक्टर्स उसकी उसका हमने फंक्शनैलिटी देखी थी। अदर फैक्टर्स का याद है, उसके अंदर पॉपुलेशन भी थी, प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ट्रेंड, फैशन, सीजन, वो सारी चीजें आपकी जो के प्राइस के अलावा फैक्टर्स थे उसकी वजह से डिमांड के अंदर फर्क आया। जब हमारी प्राइस की बेस के ऊपर डिमांड में फर्क आए, प्राइस की बेस के ऊपर हमारी प्राइस थी और क्वांटिटी डिमांड थी, प्राइस थी 10, क्वांटिटी डिमांड 300, प्राइस थी 20, क्वांटिटी डिमांड थी 200, प्राइस थी 30, क्वांटिटी डिमांड थी 100। जब प्राइस की वजह से हमारा डिमांड स्केड्यूल, दिस इज द डिमांड स्केड्यूल, तो इसको हमने ड्रा किया था और हमारे पास एक डिमांड कर्व लाइक दिस डिमांड कर्व हमने जनरेट की थी, जिसके ऊपर 30 पे 100, 20 पे 200, 10 पे 300, ये हमारे पास डिमांड कर्व थी। कल याद है अब जी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, उसका ये डिस्कशन तो हमारी कल है। लेकिन अगर सेम प्राइस के ऊपर किसी वजह से, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी बात थी, ये आइसक्रीम की प्रोडक्ट थी, आइसक्रीम की प्रोडक्ट थी, आइसक्रीम वैसे अच्छी चीज होती है, हम चाहिए। अच्छा, आइसक्रीम सर्दियों के अंदर, सर्दियों की ये हमने बात की हुई थी कि 10 रुपए के ऊपर 300 यूनिट बिकते हैं, 20 रुपए के ऊपर 200 यूनिट, 30 रुपए के ऊपर 100 यूनिट। अब आ गई गर्मियां, तो डेफिनेटली गर्मियां उसका सीजन होगा। ये जो हमारी चेंज इन सीजन आया, उससे क्या होगा, हमारे डिमांड क्वांटिटी डिमांड के ऊपर फर्क आया। चेंज इन सीजन से क्वांटिटी डिमांड विल शिफ्ट। अब शिफ्ट होने से क्या होगा, शिफ्ट होने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 रुपए के ऊपर 300 यूनिट बिकते थे, अब 10 रुपए के ऊपर 400 यूनिट बिकते हैं, पहले 20 रुपए के ऊपर 200 यूनिट थे, अब 300 यूनिट बिकते हैं, पहले 30 रुपए के ऊपर 100 यूनिट थे, अब 30 रुपए के ऊपर 200 यूनिट बिकते हैं। शिफ्ट आया ड्यू टू सीजन, सीजनल चेंज, सीजन के चेंज की वजह से समर में आइसक्रीम की डिमांड उसी प्राइस के ऊपर, प्राइस में फर्क नहीं पड़ा, प्राइस की वजह से ये डिमांड में इजाफा प्राइस की वजह से नहीं है, अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से प्राइस में इजाफा होगा, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। आप देखते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपका यू विल हैव 400, 10 के ऊपर 400, 20 के ऊपर 300, 30 के ऊपर 200, आपका डिमांड कर्व विल मूव, शिफ्ट कर जाएगी। पहले डिमांड कर्व थी रेड लाइन, दिस इज आवर डिमांड कर्व, इस शिफ्ट ने, इस चेंज ने, दिस चेंज हैज कॉज्ड आवर डिमांड कर्व इंक्रीज, दिस इंक्रीज इन आवर डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेदर सीजन, इसने कॉज किया है हमारी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर दिया आउटसाइड के ऊपर, अदर फैक्टर्स की वजह से, किसी भी अदर फैक्टर की वजह से। सेम प्राइस के ऊपर अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए,
फैक्टर की वजह से प्राइस सेम है तो आपकी जो डिमांड कर्व है दैट विल मूव आउटसाइड, आपकी डिमांड कर्व चेंज हो जाएगी. कुछ को कहेंगे दिस चेंज विल कॉल शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये बार बार आप यूज करेंगे शिफ्ट इन डिमांड. Shift in demand curve. इसी तरह से अगर अदर फैक्टर की वजह से प्राइस डिक्रीज और डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाए तो हो सकता है कि हमारी डिमांड कर्व इनर साइड के ऊपर मूव कर जाती है किसी अदर फैक्टर की वजह से. सर्दियां आ गई, ये गर्मियों की डिमांड थी, सर्दियां आ गई, अब ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हो सकता है 50 हो जाए, तो आपकी इनर साइड के ऊपर आपकी डिमांड कर्व मूव कर जाएगी. तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि कब हमारी मूवमेंट ऑन की डिमांड कर्व होगी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और कब हमारी मूवमेंट, हमारी डिमांड कर्व पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाएगी, मूव कर जाएगी अपनी ओरिजिनल स्टेट से. वो हमारे पता है कि जब प्राइस के अंदर चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आए, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आए, तो ये डिमांड कर्व के ऊपर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात है. और जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आए, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आए, तो ये आपकी प्राइस डिमांड कर्व की शिफ्ट करने की बात है. दिस शुड बी नोटेड एंड क्लेम्ड एंड आइडेंटिफाइड ऑल द टाइम, क्योंकि एग्जामिनर कई दफा आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है, वो आपको देखना चाहता है यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सेग्रीगेशन दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन का पता होना चाहिए. प्राइस की वजह से अगर मूवमेंट है तो वो डिमांड कर्व की मूवमेंट है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात है, और अदर फैक्टर्स की वजह से है तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व. यहाँ पे वो कई जगहों पे वो वर्ड यूज कर लेता है देर बाद शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो शिफ्ट जहां पे यूज करेगा दैट शोज दैट विल रिफ्लेक्ट कि आपकी अदर फैक्टर्स की वजह से जो चीज है. ठीक है, जहां पे शिफ्ट यूज करेगा उसके लिए एनी चेंज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज अदर देन द गुड्स ओन प्राइस इज कॉल्ड चेंज इन कंडीशंस ऑफ डिमांड. चेंज इन कंडीशन ऑफ डिमांड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट, ये देखो इसको भी उसने किया बताया गया. The demand curve and are referred to as increase or decrease in demand. Referred to as increase or decrease. This diagram is shown as below. जो हमने पहले उधर देखा, उसी तरीके के साथ demand curve थी. This change आए demand curve आपके भी उसका भी change the condition of demand. Increase demand by goods at price 10, leading to a rise from 50 to 90 units. This is shown by a shift. This there is a distinction between analysis of shift in demand and simply a change in quantity demanded. If it is merely a change in quantity demanded, as highlighted when demand extends or contract, then the movement of the graph will be along the curve. The point below are number of determinants that could cause a shift in demand. However, the other factors say the shift in demand karte hain, wo usne kaha ki these are called determinants. Determinants that could cause a shift in demand. अब वो जो determinants हैं वो क्या चीजें हैं? पहले price of substitute. उसने कहा कि substitute की price से deal होता है. हमने पढ़ा substitute product है, उसकी price decrease हो गई है, तो लोग shift कर देंगे अपनी demand जिस substitute product की price की कम हुई है उसके ऊपर shift कर देंगे, उसकी consumption बढ़ा देंगे और दूसरी कंजम्पशन को कम करने के लिए. ये सब्स्टिट्यूट की हमने बात पढ़ी है. सब्स्टिट्यूट को जगह सेम नीड ऑफ रिपीट फॉर द सेम पोर्शन ऑफ इनकम. हॉट ड्रिंक्स लेट्स सपोज दैट इन इट्स इन बोथ टी एंड कॉफी आर प्राइस एट 200 अ कप. इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज टू 400 देन द सिट्रस वैल्यूज अदर थिंग्स रिमेन द सेम. द डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज एज कंज्यूमर स्विच देयर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर मूव करेंगे टी के ऊपर. Determinants, price of complement, कोई complementary good हमने बात की, goods which are consumed together,
हमने जॉइंटली का जिक्र टुगेदर कंज्यूम होंगी. The rise in the price of a complement will lead to a decrease in demand for the goods under examination. बात अपना कि हमने कि दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा. एक की अगर डिमांड कम होगी मेरी दूसरे की डिमांड कम होगी. एक की डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी. सब्स्टिट्यूट के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप. लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, ये हम वो चीजें देख रहे हैं अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट कम या ज्यादा हो सकती है. कंज्यूमर इनकम अमाउंट ऑफ इनकम कंज्यूमर कैन एलोकेट टू द परचेजिंग ऑफ गुड्स. गुड्स को परचेज करने के लिए अगर कंज्यूमर नेशनल इनकम फॉर एग्जाम्पल हमारी आमतौर पर एक इंडिविजुअल पर कैपिटल इनकम हमारे 1000 रुपया थी. इस साल अच्छी नेशनल इनकम हुई है, प्रोड्यूसेस अच्छी हुई है, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अच्छी हुई है, एग्रीकल्चर हमने इंडस्ट्री के अंदर अच्छा प्रोडक्ट परफॉर्म किया है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी. जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोग ज्यादा कंजम्पशन कर पा रहे होंगे. तो ज्यादा कंजम्पशन करने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा हो जाएगा. तो इनकम में इजाफा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है हमारी प्रोडक्ट की डिमांड के साथ. अगर कंज्यूमर इनकम के अंदर इजाफा होगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर इनकम के अंदर कमी होगी तो हमारी डिमांड कम होगी, उसकी शिफ्ट रिड्यूस होगी. नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट लीड टू चेंज इन लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड उस कंज्यूमर इनकम. टैक्स, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर अगर टैक्स कम कर दिया जाए, गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे टैक्स रेट, तो कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसे पहुंचे. 1 लाख रुपया कमाता था जैसे अभी गवर्नमेंट ने ज्यादा बताना किया सैलरी के ऊपर टैक्स रिड्यूस कर दिया है, तो पहले जो शख्स 1 लाख रुपया कमाता था महीने का उसके पास 19,000 फॉर एग्जाम्पल उसके पास कैश मिलता था, बाकी गवर्नमेंट का टैक्स कट जाता था. अब गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया महीने कमाने वाले को कहा कि आपका सिर्फ नॉमिनल था 200 रुपया 400 रुपया शायद वो टैक्स कटेगा, तो उससे क्या हुआ कि अब 90,000 की जगह पे उस शख्स के पास 99,600 या 99,500 उसके पास अवेलेबल है. तो टैक्स के अंदर कमी या ज्यादती करके कंज्यूमर के पास लेवल ऑफ इनकम को कम या ज्यादा किया जा सकता है. ये ताला बता बात है सर, ये अजम्पशन भी हो सकती है लॉ ऑफ डिमांड की. जी ये अजम्पशन के अंदर भी हमने देखी है, उन्हीं की बेसिस पे हम कह रहे हैं कि अब डिमांड कर्व के अंदर कोई चेंजेस आती हैं. ये डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और डिटरमिनेंट्स के अंदर एक तो बेसिक डिटरमिनेंट है प्राइस. आपको एक एग्जांपल पूछा व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो डिटरमिनेंट में एक तो बेसिक डिटरमिनेंट है प्राइस, उसके अलावा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नेट कंज्यूमर इनकम, फिर टेस्ट प्रेफरेंसेस, सारी चीजें आपने हायर नेशनल इनकम जैसे मैंने बात की इनकम बढ़ जाएगी तो उससे ठीक है जी. किधर अच्छा फॉलो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फॉलो से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फॉलो से क्या होता है, अगर आपने कोई चीज कर्जे पे ली हुई है तो उस कर्जे के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं. गाड़ी फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्जे पे ली हुई है तो कर्जे के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा. अब वो उस इंटरेस्ट को पे करना है कहां से पे करूंगा, मैं जो मैं कमाऊंगा उसी में से पे करूंगा ऐसे कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जो मैंने कमाया होगा उसमें से कम हिस्सा मुझे इंटरेस्ट की सूरत में पे करना पड़ेगा, ज्यादा हिस्सा मेरे पास इनकम की जरूरत से रह जाएगा जो कि मैं फिर कंजम्पशन कर सकूंगा कंज्यूम कर सकूंगा. तो इसी तरह से मेकिंग द कॉस्ट ऑफ मॉर्गेज इज लोअर एंड हेंस इंक्रीजिंग डिस्क्रिशनरी इनकम, लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम बैठ जाएगी इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से. जी नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड हमने देखा था इनकम से हमें ये भी इनकम पर भी असर पड़ता था. जब नॉर्मल गुड होगी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इंफीरियर गुड होगी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी.
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हमारी डिमांड के ऊपर असर डाल सके. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एडवर्टाइजिंग था वो फैक्टर दैट इंपैक्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट कैन बी इफेक्टेड बाय एडवर्टाइजिंग फैशन सीजनल एंड क्लाइमेटिकल चेंज हेल्थ स्केल्स ऑफ फैड्स. अब ये पिछले दिनों नाम शुरू हो गया कि खुला दूध आपका दुश्मन जरासीम की अनाज का खुला दूध मत खरीदिए. अपने हाथ से अपने बच्चों को जहर मत दीजिए. दबेला दूध आपके लिए सेहत का दाम. इस तरीके के साथ आपके सामने एडवर्टीजमेंट आपको कन्विंस करने की कोशिश की गई. फिर आप वो कन्विंस हो गए. बहुत से लोगों ने खुला दूध इस्तेमाल बंद कर दिया और इस फियर क्रिएट करके हेल्थ स्केयर्स हेल्थ का फियर क्रिएट किया और उससे लोगों को कहा कि अच्छा जी आप डब्बे का दूध इस्तेमाल किया करें. इसमें हमने इस तरह से पैकेजिंग की होती है माना किया था पानी ये ना किया जाए करें. पानी की रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और उस प्रोसेस के जरिए से इसको हमने पता नहीं क्या कर देते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी कंजम्पशन को शिफ्ट करने के लिए है. कंजम्पशन को किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए ये फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. एडवर्टीजमेंट की जा रहे हैं. आप जनाब ये दूध पियेंगे ये बच्चों को दूध दें ये जनाब ये पहले साल के अंदर इतने पावरफुल हो जाएंगे दूसरे साल में इतने पावरफुल हो जाएंगे. तो वो क्या किया जा रहा है इंडिविजुअल की कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मार्केट डिमांड ऑफ द गुड को इंक्रीज किया जाए ताकि आपकी कंजम्पशन को उस डायरेक्शन में लेके जाया जाए जहां पे उस प्रोडक्ट की आप कंजम्पशन करें और उस कंपनी को फायदा हो सके. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कंजम्पशन और डिमांड को चेंज करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या किया जाता है एडवर्टाइजिंग की जाती है फैशन का ट्रेंड बिल्ड किए जाते हैं. बड़े बड़े जो फैशन शो हो रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए लाखों रुपए वो खर्च करते हैं. क्यों करते हैं लोगों के सामने ऐसे ना वो नई नई ब्रांड्स नए नए फैशन नई नई ना ये पिछले साल जाएगी ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया. क्यों करते हैं ताकि आप नए फैशन नए प्रोडक्ट नए मॉडल्स नए डिजाइन उनको खरीदें और आपको लगे कि अच्छा मेरी कंजम्पशन मैंने सिर्फ लाजमी करनी नहीं की तो मैं दुनिया से पीछे रहता हूं. इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट कैन बी हाइटेंड बाय द फीडबैक लूप बिटवीन कंज्यूमर. यार वो मैंने तो अपने बेटे को दिया दूध वो तो पहले जरा भागते ही था हम आपस में एक दूसरे से बातें करते उससे भी बढ़ा देते हैं इम्पैक्ट. एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज. अच्छा एक डिमांड बढ़ने की एक रीजन ये भी होती है जैसे हमारे यहां हम रूटीन भी देखते हैं खबरों में आता है वजारते हजाना को सडनली मूव कर दी गई के पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर 5 रुपए पर लीटर इजाफा कर दिया जाए. इन कीमतों का इतलाक 1 नवंबर 2018 से एक्सपेक्टेड है. वजारते हजाना इसके ऊपर आज या कल में कोई फैसला मुतवक्के है. तो ये एक न्यूज आई. इस न्यूज ने क्या किया सब लोगों को एकदम से कहा अच्छा 5 रुपए लीटर का पेट्रोल बढ़ेगा चल भाई बाबू जाके मोटरसाइकिल जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसने मोटरसाइकिल को ठीक लगाई जाके पेट्रोल पंप पे खड़ा हो गया या मेरी टैंकी फुल ना था जिसके पास गाड़ी थी उसने गाड़ी को चाबी की किया स्टार्ट किया जाके पेट्रोल पंप पे या टैंकी फुल कर. अब उनको जरूरत नहीं है इस वक्त कंजम्पशन करने की इस वक्त डिमांड नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस राइज इन प्राइस कल प्राइस बढ़ जाएगी यकम को प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उसकी वजह से आज आपने कंजम्पशन को बढ़ाया. इसी तरह से वाइस वर्सा भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होने की वजह से एक्सपेक्टेड है ये तवक्को की जा रही है कि अगले महीने प्राइसेस तेल की कम हो जाएगी. आप कहते हैं यार अच्छा बड़ी कंट्री बन जाए ना नेक्स्ट ये कंपनी को रख लेते हैं उसमें वो प्राइसेस थोड़ी सी पेट्रोल की कम हो जाएगी तो हम तक
तो अपने आप कंजम्पशन को डेफर कर देते हैं। दोनों चीजें, अगर प्राइस की इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन हो आप कंजम्पशन को अर्ली कर लेते हैं, और अगर प्राइस डिक्रीज की एक्सपेक्टेशन हो आप कंजम्पशन को डेफर कर लेते हैं। ये हमारे सामने की हम इसको रूटीन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को यार देखते हैं कि नहीं देखते, if prices are expected to rise or shortage of goods are anticipated, this will lead to an increase in demand in current time period, preemptive purchasing. Consumer will look to increase their consumption, that is demand will increase due to prediction of future market condition. आज ही प्राइसेस बढ़ी लेकिन फ्यूचर में बढ़ने का चांस है, उसकी वजह से लोगों ने चेंज कर दिया, इस वजह से लोगों ने यहां से इधर शिफ्ट कर दिया। आज ही बढ़ी लेकिन फ्यूचर में बढ़ने का चांस है, इस वजह से ये चेंज किया, तो अदर फैक्टर की वजह से। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स है ही कुछ नहीं सिवाय डिमांड एंड सप्लाई के। इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की समझ आ जाए तो आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ सकती है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के पीछे वही बात होती है, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, वो सारी पूरी कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा होता है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कंट्रीब्यूट्स टू द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी। अब ये प्राइस है, अब जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर होगा वो देखेगा कि यार मैं अपने प्राइस को कंसीडर करूं, लॉ ऑफ डिमांड की बेस के ऊपर वो देखेगा, मैं 20 रुपए प्राइस रखू, 30 रुपए रखू या 10 रुपए रखू, तो वो उसको देखना पड़ेगा कि मेरी डिफरेंट प्राइस के ऊपर मेरा क्या डिमांड का मेयार है, और उसको फिर वो अटेन करेगा और उस प्राइस को फिर वो मेंटेन कर सकेगा। अगर उसको आइडिया ही नहीं है कि मैं एक चेयर में बनाता हूं और वो मैं चेयर करता हूं, मैं यार 1 लाख रुपए में बेचूंगा, मैं तो महंगी से महंगी चेयर बेचूंगा, भाई आपने कीमत लगा दी 1 लाख रुपया, तो रखो फिर संभाल के, कौन खरीदेगा 1 लाख रुपए में एक चेयर। आपको ये तो देखना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, क्या 1 लाख रुपए में एक चेयर खरीदेगा कोई, किस प्राइस के ऊपर खरीदेंगे, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000, 10,000, मैक्सिमम कोई अच्छी सच्ची चेयर हो सके 20,000, 25,000, जी इंटरनेशनल क्वालिटी की है, क्वालिटी ये है वो है, इतना लोग स्पेंड करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वही बात है कि 2,000 रुपए के ऊपर आपकी चेयर की डिमांड क्वांटिटी कितनी बिकेगी, 20,000 के ऊपर आपकी क्वांटिटी कितनी बिकेगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू प्रॉपरली मैनेज योर बिजनेस। अगर आपको अपने डिमांड कर्व का नहीं पता, आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप का नहीं पता, तो आप प्रॉपर प्राइसिंग का डिसीजन नहीं कर सकते, आप बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन नहीं कर सकते। तो ये प्राइसिंग के लिए डिमांड स्केड्यूल का पता होना, डिमांड कर्व का पता होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। देन फ्यूचर को प्लान करने में, फ्यूचर को प्लान करने में जनाब गर्मियों में इसी प्राइस के ऊपर देखिएगा आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आज के दिन तो हम अपनी प्रोडक्शन को 50% पे रिड्यूस कर लेते हैं। जब हम गर्मियां आएंगी, आज ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक हम रिड्यूस कर लेते हैं, मार्च अप्रैल से वी विल रीबिल्ड आवर प्रोडक्शन लेवल्स, हम 50% से दोबारा 60-70 और फिर 100% के ऊपर हम अपनी प्रोडक्शन को लेके जाएंगे। तो फ्यूचर को आप प्लान कर रहे हैं किस बेस के ऊपर, जब आपको आपकी डिमांड कर्व का पता है, उसकी शिफ्ट का पता है, आइडिया है, आज के दिन अपने डिसीजन ले रहे हैं, फ्यूचर को आप प्लान कर रहे हैं। क्वांटिटी डिमांड एट बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इट इज ग्रेट हेल्प फॉर द स्टेट एज वेल ऑन ड्यू कोर्स ऑफ रेजिंग टैक्सेस ऑन सर्टेन कमोडिटी।
लॉ गवर्नमेंट को भी इसका ख्याल करना पड़ता है, लॉ ऑफ डिमांड का ख्याल गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। किस तरह से? गवर्नमेंट कहती है ना मैं टैक्स सेल्स टैक्स लगा देता और उस सेल्स टैक्स से क्या होगा मुझे टैक्स जनरेट करना। लेकिन गवर्नमेंट वाले भाई जान आप इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि आप जिस कमोडिटी के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके सेल टैक्स लगाने से उसका इस्तेमाल कम हो जाए। एग्जाम्पल दिया, प्राइस थी 10, क्वांटिटी डिमांडेड थी 300। आपने कहा कि आप जबरदस्त 300 यूनिट बिकते हैं, तो मैं इतना करता हूं सेल टैक्स लगा देता हूं, एक यूनिट के ऊपर सेल टैक्स लगा देता हूं, और सेल टैक्स लगाऊंगा तो क्या होगा, मुझे मैं अपना 1 रुपया या 2 रुपए का सेल टैक्स, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का सेल टैक्स मैं लगाता हूं, 2 रुपए का टैक्स लगाऊंगा तो मैं आई विल टैक्स, मुझे पास कितना टैक्स आ जाएगा 600 रुपया। आपने प्लानिंग की मेरे पास 600 रुपया टैक्स आ जाएगा, लेकिन 2 रुपए टैक्स लगाने से क्या हुआ, 2 रुपए टैक्स लगाने से क्या हुआ, आप कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट 10+2 यानी कि 12 रुपए में पड़ रही है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट 12 रुपए में कंज्यूमर को अगर इस प्रोडक्ट का फायदा भी नजर आएगा तो वो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल 100 पर कर दो, क्योंकि यार 12 रुपए में तो बहुत ज्यादा काम खराब हो गया, तो 100 रुपए में कर देगा और आपने 2 रुपए पर तो एक्चुअल जो टैक्स आपके वसूल होगा वो 200 रुपया होगा। आपने अपने ख्याल में तो 600 रुपया कर लिया था कि जनाब ये प्रोडक्ट तो बहुत बिकती है, 300 यूनिट बिक जाते हैं, लेकिन भाई जान ये भी तो ख्याल रखें कि जब आप टैक्स लगाएंगे तो उस टैक्स की वजह से आपकी कंज्यूमर को प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो जो कंज्यूमर है वो अपने डिमांड के अंदर कमी बेशी करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमने ये बताता है प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, तो वो ऐसा ना हो कि आपकी प्लानिंग धरी धरी रह जाए। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में ये भी गवर्नमेंट के लिए, इफ द इंक्रीज टैक्स कॉजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू बी इंक्रीज टू अ लेवल वेयर द डिमांड फॉल्स, देन देयर वुड बी नो यूज रेजिंग द टैक्स लेवल एंड अल्टीमेटली द ओवरऑल अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू वुड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। अब ये उन्होंने बताने की कोशिश की है ना, वो क्या बता रहे कि आपके पास प्राइस के भी 10, क्वांटिटी डिमांड थी 300 और आपने इस वक्त सेल्स टैक्स ले रहे थे 2 रुपए, आपके पास सेल्स टैक्स टोटल आपके पास आ रहा था 600 रुपए, सेल्स टैक्स पर यूनिट आप ले रहे थे 2 रुपए, सेल्स टैक्स टोटल आपके पास आ रहा था ₹600। अब उन्होंने कहा कि आपने सेल टैक्स पर यूनिट बढ़ा दिया 4 रुपए कर दिया, आपका ख्याल था कि आप 1200 ले लेंगे, 4 रुपए करने से आपका ख्याल था आपके पास 1200 रुपीज का सेल टैक्स आ जाएगा, लेकिन उससे हुआ क्या, 4 रुपए आपने किया, 4 रुपए करने से प्राइस क्या होगी, 10 रुपए ही है, सेल टैक्स आपका ज्यादा हुआ है, तो मार्केट में 10+4, पहले 10+2 था, अब 10+4, उस प्राइस के ऊपर लोगों ने अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दिया, 150 × 4 दैट इज 600, आप इसको टारगेट करते हुए जा रहे थे, लेकिन लोगों ने डिमांड को रिड्यूस कर दिया प्राइस इंक्रीज की वजह से, तो डिमांड को रिड्यूस करके आपको सेम लेवल पे ही रहने दिया, सेल टैक्स में जो आप इजाफा देखना चाह रहे थे वो इजाफा नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका, क्योंकि लोगों ने इस इंक्रीज की वजह से अपनी डिमांड को डिक्रीज कर दिया, प्राइस सेम है, सिर्फ सेल टैक्स के अंदर फर्क डाला था, 10+2 था और ये 10+4 किया।
क्लियर है, अंग्रेजी यहाँ पे ये दूसरी है, वही सेम बात है, सिर्फ उन्होंने एग्जिस्टिंग के साथ आपके साथ शेयर किया। जी लेट्स कंक्लूड हियर, आज के दिन के लिए इतना ही करते हैं, और लेट्स मीट अल्लाह हाफिज़, कल हम लिमिटेशंस के दिन से